तो मेरे खिलाड़ियों भाई साहब 24 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं भाई साहब, 24 घंटे हो चुके हैं, हिसाब किताब करने का टाइम हो चुका है। लेकिन गाइस मैंने ऑलरेडी हिसाब किताब कर लिया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग डिसअपॉइंट हुए हैं यहाँ पर कि यार व्यूज़ की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि कम से कम मतलब जिस स्पीड से इसने पहले 6 घंटे के अंदर व्यूज़ कैप्चर किया था, लगभग 12 से 13 मिलियन व्यूज़ सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे में इसने कैप्चर कर लिया था। तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि यार मे भी हो सकता है कि भाई 24 घंटे में भाई साहब ये जो व्यूज़ के आंकड़े होंगे एटलीस्ट 30 मिलियन तो भाई साहब होंगे होंगे। कहीं ना कहीं उम्मीद तो लोगों की ऐसी भी थी कि 50 मिलियन पार हो जाएंगे, बट मैं ये कहूँगा कि यार अच्छा है, जितने भी आए काफ़ी अच्छे हैं, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मतलब अपना जो ट्रैक रहा है प्रीवियस मूवीज़ का है उसके हिसाब से आप एक बार जज करके देखो, मतलब इतना भी लोगों ने सपोर्ट दिखाया, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हाँ कुछ एक आध सेक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसी है जो अभी भी अक्षय सर की मूवीज़ को एक चांस देना चाहती, कहीं ना कहीं भरोसा दिखाना चाहती। एंड ये अगर हो गया गाइस, अगर इस मूवी ने उस लेवल का कमाल कर दिया, जिस मूवी का भाई साहब कंटेंट में पावर है भाई साहब, ये 22 मिलियन वगैरह कुछ नहीं, सिंपल सी बात कहूँ ना गाइस, इससे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हम लोग इजीली कैप्चर कर सकते हैं। आप भी जानते हैं अक्षय पाजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जब उनकी मूवीज़ अच्छी खासी कमाई करती थी भाई साहब, यहाँ पर ना मतलब अक्षय पाजी का ये सीन था कि ये आते थे यूट्यूब के ऊपर और रिकॉर्ड तोड़ के जाते थे, समझ में आ रहा है, ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला बंदा है। अब बुरा टाइम चल रहा है एंड बुरे टाइम में भी रिकॉर्ड तोड़ना है तो ये कहीं ना कहीं कभी कभी थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना बनता है। सो गाइस 24 आवर्स हो चुके हैं, 24 घंटे में भाई सब ऑल ओवर इंडिया, भाई साहब ऑल ओवर सोशल मीडिया, आखिर कितने व्यूज़ भाई साहब यहाँ पर इस मूवी के ट्रेलर भाई साहब OMG 2 ने कैप्चर किए। सो गाइज मैं आपको बता दूँ, मैंने थोड़ा बहुत हिसाब किताब यहाँ पे लगाया, गाइज यहाँ पे जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं गाइज, यहाँ पे अराउंड एंड भाई साहब यहाँ पे 30 से लेकर के 31 मिलियन भाई साहब व्यूज़ इस ट्रेलर ने भाई साहब कैप्चर किए अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म। भाई साहब यूट्यूब से ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, भाई साहब यहाँ पर इसने इतने व्यूज़ कैप्चर किए, लगभग 30 से लेकर के 31 मिलियन भाई साहब प्लस इसने व्यूज़ कैप्चर किए। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा है, मतलब सीरियसली बहुत अच्छा है ये। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे 30 मिलियन भाई साहब, 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसके ट्रेलर को देख लिया ऑलरेडी, तो समझो मतलब अगर इतनी भी ऑडियंस के अंदर इसकी मूवी को लेकर ज़बरदस्त माहौल फैलता है, सो गाइस डेफिनेटली ये मूवी एक अच्छी खासी ओपनिंग लेगी एंड इस चीज़ को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। सिंपल सी बात कहूँगा भाई, कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अभी भी आप अगर देखोगे भाई साहब तो यूट्यूब के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं, अगर इस ट्रेलर के अंदर थोड़ा भी 19-20 होता भाई ये ट्रेलर ट्रेंडिंग सेक्शन से उतर जाता। एंड अभी भी ये ट्रेलर लगातार ट्रेंड कर रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पावर है, कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं एंड ये चीज़ें मैटर करती हैं गाइस, फॉर मी ये चीज़ें मैटर करती हैं एंड ये डेफिनेटली वैसा असर डालेंगे इसके कलेक्शंस के ऊपर कहीं ना कहीं। जब आप देखेंगे, आपको एक और एग्जांपल दूं गाइस, यहां पे आपको बता दूं जब ट्रेलर रिलीज हुआ था गाइस उसके आसपास यहाँ पे बुक माई शो के ऊपर इसकी जो इंटरेस्ट लगभग 52,000 के आसपास है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे ट्रेलर रिलीज होने के 24 घंटे के बाद, यस गाइस लगभग 24 घंटे के बाद मैं आपको बात बता रहा हूँ, भाई साहब यहाँ पे बुक माई शो के ऊपर गाइस यहाँ पे इंटरेस्ट क्रॉस हो चुका है 61,000 प्लस। एंड ये बताता है कि हाँ वाकई में लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी सेक्शन की ऑडियंस भले नहीं कर रही है बट कुछ सेक्शन ऑफ ऑडियंस यहाँ पे ऐसी है जो इस मूवी के लिए वाकई में एक्साइटेड है, लोगों को भरोसा है कि हाँ मूवी अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, कहीं ना कहीं अच्छा खासा ट्राई किया जाए, अक्षय पाजी इस तरह की मूवीज़ करने का हिम्मत रखते हैं एंड ये डेफिनेटली वैसा असर डालेगा। अब देखो उम्मीदें हैं लोगों की यार कि अक्षय पाजी डेफिनेटली कमबैक करें, बड़े कमबैक करें, बहुत बड़ा कमबैक करें, सो मैं बोलता हूँ कि यार उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो अक्षय पाजी की, वैसा यहाँ पे BMCM जब आएगी, फुल ऑन एक्शन से भरपूर फिल्म है, तभी कहीं ना कहीं जो आपका एक उम्मीद है कि गाइस इतनी भयंकर ओपनिंग मारना है 30 करोड़ 40 करोड़, तो वो गाइस कहीं ना कहीं उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। बट अभी के समय गाइस 10 करोड़ 12 करोड़ 13 करोड़ 15 करोड़ 16 करोड़ 17 करोड़ 18 करोड़ भी अगर इन मूवीज़ में ओपनिंग करती है सो डेफिनेटली भाई साहब एक अच्छा खासा ज़बरदस्त अपने को शानदार हिट, शानदार सक्सेस मिल जाएगा एंड अभी के समय अपने को वही चीज़ चाहिए। तो बस उम्मीद करिए कि लोग भाई साहब कहीं ना कहीं टिकट परचेस करें एंड आप भी टिकट परचेस करना शुरू करें, सिर्फ लोगों को मत बताओ खुद भी टिकट परचेस करो। भाई मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैंने अपना टिकट ऑलरेडी वैसा एक लाइव वीडियो बना करके कैप्चर किया था, सो आप भी
सपोर्ट करिए इस चीज़ के अंदर, टिकट परचेस करिए एंड व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, व्यूज़ डिसअपॉइंट नहीं कर रहे। आई जस्ट होप कि आप लोग कहीं ना कहीं कुछ चीज़ समझ में आ रही होंगी एंड डेफिनेटली मूवी तैयार है भाई साहब यहाँ पे अच्छी खासी ओपनिंग लेने के लिए। बस लगातार सपोर्ट बरकरार रखिए, भरोसा रखिए, डाउट मत करिए गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।